मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद लिखी थी। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से सोच लेकर आता। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। क्या ट्रेंड रहा है बॉलीवुड का, क्या होगी नई विधाता की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं 1982 की सुपरहिट एक्शन थ्रिलर मूवी विधाता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विधाता फिल्म बहुत सारे ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ बनाई गई थी, जिसमें एक आम इंसान अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए और अपने पोते को बचाने के लिए गलत राह चुनता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा वही दिखाने की कोशिश करती है जो हमारे समाज में हो रहा हो, जैसे कि 80s के जमाने की जमींदारी, डकैती, आतंकवाद, फिर आगे जाके ड्रग्स, स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं, और ऐसे ही बॉलीवुड का रिवॉल्यूशन होता रहा है। विधाता 1982 में आई थी और सुभाष घई उस दौरान चल रहे डाकू और स्मगलर का टॉपिक दिखाया, और साथ ही बड़े घर के लड़के और छोटे घर की लड़की के बीच प्यार नहीं किया जा सकता ये बात दिखाई, और इंसान अपनी किस्मत खुद लिखकर खुद का विधाता खुद ही बन जाता है ये बात बताई गई है। लेकिन अगर विधाता आज के जमाने में बनती है तो उसकी कहानी कुछ अलग होगी। कॉन्सेप्ट एक जैसा हो सकता है, लेकिन कहानी आज के मॉडर्न जमाने से रिलेटेड होगी। आजकल की फिल्मों में कंटेंट को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि फिल्मों में सुपरस्टार्स ही होंगे, और ऐसे मुद्दे दिखाए जाते हैं जो इंस्पायरिंग हो और साथ ही लोगों में अवेयरनेस भी लाए। ऐसी ही कुछ कहानी विधाता के रीमेक की होगी, जैसे कि दिलीप कुमार जी का जो किरदार था कि आम इंसान जब अपने घर पर आ जाता है तो कुछ भी कर सकता है, वो आज के किसी टॉपिक से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि आज की पॉलिटिक्स और टेररिज्म का पॉइंट तो है ही। और संजय दत्त का जो किरदार है, जो एक बिंदास सोच रखता है और ये मानता है कि प्यार पैसे देखकर नहीं किया जाता, और साथ ही जो एक फैमिली मैन है और गैंगस्टरों के चुंगल में फंस जाता है, तो उनका ये किरदार एक यंग लड़के का होना चाहिए जिसके अपने सपने हैं, प्यार है, परिवार है। ऐसा किरदार हाल ही में आई वेब सीरीज ये काली काली आंखें में ताहिर राज बसीन ने निभाया है। ऐसी ही कुछ नई कहानी होगी विधाता की, जो दोनों ही पर्सपेक्टिव दिखा सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बॉलीवुड में आजकल रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी ज्यादा दिखाए जाते हैं, और साथ ही वुमन पावर भी। तो विधाता फिल्म जो गॉडफादर फिल्म के कॉन्सेप्ट से मैच करती हो, उससे हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इसमें भी कुछ दमदार ही होगा। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको बॉलीवुड का कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा पसंद आया है ये हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।